किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के त्यागी, वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज हम खरगोन जिले के प्रगतिशील किसान श्री सोहनलाल जी पाटीदार जी के खेत पे ग्राम डालकी में हैं। इन्होंने प्याज की एक उन्नत किस्म भीमा सुपर लगाई हुई है। किसान भाइयों, ये भीमा सुपर खरीफ में लगाने के लिए और लेट खरीफ में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है, जिसको DOGR ने विकसित किया है। ये किस्म दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के किसानों को बुआई के लिए अनुशंसित की गई है। किसान भाइयों, ये जो प्याज है, इसके बल्ब के जो रंग होता है लाल कलर का होता है, भंडारण क्षमता इसकी अधिक होती है। बरसात में खरीफ में ये 100 से 105 दिन में रोपाई के बाद पककर तैयार हो जाती है। वहीं लेट खरीफ में ये 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उपज की बात करें तो खरीफ सीजन में इसके 200 से 220 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। यदि लेट खरीफ की बात करें तो इसकी उपज 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। तो भीमा सुपर अधिक उपज के लिए बहुत अच्छी किस्म है, विशेषकर खरीफ में और लेट खरीफ के लिए। किसान भाइयों, इससे अच्छी उपज लेने के लिए हमें जो खाद है वो उर्वरकों का उपयोग करना है, वो मृदा परीक्षण के अनुसार करना है। सामान्यतः प्याज की रोपाई के एक सप्ताह पहले मृदा परीक्षण के अनुसार 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद, 1 कुंटल नीम की खली, 100 किलोग्राम आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम म्यूरेटा पोटास प्रति एकड़ खेत की तैयारी के समय डालें। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ मिट्टी में रोपाई के पहले मिला दें। इसके बाद एक एकड़ के लिए 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपाई के 45 दिन पहले बीज की बुआई कर दें और इसकी रोपाई अर्ली खरीफ में, खरीफ के सीजन में 15 अगस्त के आसपास कर सकते हैं, लेट खरीफ में सितंबर तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। और इसमें साथ में जो यूरिया है उसके 50 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ रोपाई के 30 दिन बाद और 45 दिन बाद देते हैं, तो आपको जो संतुलित मात्रा में खाद है उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो आपको भरपूर उपज प्राप्त होती है। साथ में किसान भाइयों, इसमें खरपतवारों की समस्या आती है, उसके लिए रोपाई के 25 दिन बाद खेत में नमी होने पर ऑक्सीफ्लोरोफेन इसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़, साथ में क्विजालपाप-पी-इथाइल इसके 400 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आप बुआई प्याज की रोपाई के 25 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो आपका जो खरपतवार है उसकी समस्या हल हो जाएगी और ये जो भीमा सुपर है इससे बहुत अच्छा उत्पन्न प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।